We will start with a very quick revision of what we have learned in the last session. अगले टॉपिक पर जाने से पहले लास्ट लेक्चर का सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए. तो वी विल फर्स्ट रिवाइज वॉट वी हैव लर्न इन द लास्ट सेशन. तो पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था. इफ यू रिमेम्बर वी हैव फाउंड आउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट. तो एक्सट्रीमली सिंपल केस था. तो इफ यू रिमेम्बर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस. अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के फील्ड में हो तो उसका क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी. आई ऑल्सो हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ मून एंड अर्थ सिस्टम. मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, सो मून इज इन द फील्ड ऑफ अर्थ. Similarly, electron is revolving around nucleus, so electron is in the field of nucleus. इसलिए electron का potential energy होगा, क्योंकि electron motion में भी है तो उसका kinetic energy भी होगा. तो electron has both of these energies, potential as well as kinetic. तो total energy of electron will be potential energy plus kinetic energy. Potential energy find करने के लिए extremely simple तरीका है. या तो directly potential energy का formula पता होना चाहिए, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2. यहाँ पे Q1 मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस जेडी और Q2 मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस ई. तो -1/4 pi epsilon 0 जेडी स्क्वायर बाय आर. यह है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग फर्स्ट पोस्टुलेट यूज करते हैं. इन दैट इफ यू रिमेम्बर नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स is provided by electrostatic force of attraction. So 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon distance ka square. Correct. So ye R aur ye ek R cancel ho jayega. So you have mv square equal to 1/4 pi epsilon 0 z e square by R square. Mise ek R cancel ho gaya. 1R and 1R is cancelled out. हमको चाहिए था kinetic energy, तो हम क्या करेंगे? Divide by 2 on both sides, तो ये हो जाएगा 8. तो ये मिल गया आपको kinetic energy का expression. 1/8 pi epsilon 0 z e square by R. और मैंने कल ये भी बताया था कि kinetic energy is mod of potential energy by 2. Half of potential energy होता है ये modulus wise. Equation number 3. ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा आपको. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 टोटल एनर्जी को हम डिनोट कर लेंगे ई से. टोटल एनर्जी विल नाउ बी डिनोटेड बाय ई. इट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. तो पोटेंशियल एनर्जी है -1/4 pi epsilon 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर प्लस 1/8 pi epsilon 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर. इसको सॉल्व करने के बाद -1/8 pi epsilon 0 जेड ई स्क्वायर बाय आर. लेट अस से इक्वेशन नंबर 4. देन क्योंकि आज हमारा टास्क है टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये सब पता होना चाहिए उसके लिए. बट इफ यू रिमेम्बर हमने आर का इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव करके रखा है. व्हाट वाज इक्वेशन फॉर आर? epsilon 0 n square h square upon pi m e square z. ये था equation for R. तो ये जो R का equation है ये energy के equation में substitute करोगे तो therefore energy E equal to -1/8 pi epsilon 0 z e square by R. और R क्या है? epsilon 0 h square n square upon pi m e एम ई स्क्वायर और एक जेड. सिर्फ कैंसिल होता है तो एक ही चीज, दैट इज पाई एंड पाई. तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू -1/ ठीक है, काम करते हैं जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, इसको अलग लिख लेते हैं. क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स है. जेड इंटू जेड इज जेड स्क्वायर, वो बाहर लिख लिया हमने. क्या बचा? m.
ई रेस टू फोर, यहाँ क्या आएगा एट, एफ एन जीरो एच स्क्वायर एन स्क्वायर ऑलरेडी लिख लिया. तो दिस वॉज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम विथ एटॉमिक नंबर जेड. एम कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, एच बी कॉन्स्टेंट है. तो वेन यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज यू विल गेट ये एम ई रेज टू फोर अपॉन एट एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिलती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो देयरफॉर एनर्जी का इक्वेशन हमको मिला था E इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हाइड्रोजन एटम कंसिडर करोगे और ये nth ऑर्बिट की एनर्जी है, nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में होगा तो एनर्जी इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. इफ यू कंसिडर हाइड्रोजन एटम उसका जेड वैल्यू कितना होता है 1. और उसमें भी अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो नॉर्मली होता है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उस केस में एनर्जी आपको मिल रहा है माइनस 13.6 ईवी. अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो उस केस में आपको मिलेगा माइनस 13.6 बाई 4, 2 स्क्वायर इज 4 ईवी. अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो आपको एनर्जी मिलेगा ई थ्री इक्वल टू माइनस 13.6 बाय 9 ईवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये थे एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. सिक्स ऑर्बिट चाहिए, सेवन्थ ऑर्बिट चाहिए, तो कुछ नहीं है, इनकी वैल्यू 6 और 7 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. फिर हमने देखा था व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट. फ्री करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, जितना ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के पास है बट विद अपोजिट साइन. तो ये टोटल एनर्जी का इक्वेशन है, तो बाइंडिंग एनर्जी में से क्या आएगा प्लस, दैट्स इट. यहां तक क्लियर. इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो व्हाट वी हैव सीन आफ्टर दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्चुअली एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक्चुअली एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने स्टार्ट किया था. एंड इफ यू रिमेम्बर ये जो मॉडल है बोहर का मॉडल, वो इट सूट्स द बेस्ट फॉर हाइड्रोजन. तो आज देखेंगे हम लोग. तो आपके टेक्स्ट बुक में टाइटल भले ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिया हो, लेकिन डिस्कस वहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही किया है. देन ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये सबसे पहले डिटेक्ट किसने किया था, इफ यू रिमेम्बर बाल्मेर. बाल्मेर फाउंड सम 4 लाइंस विच आर इमिटेड बाय हीटेड हाइड्रोजन गैस. जब आप हाइड्रोजन गैस को हीट करोगे then you will find 4 specific wavelength, 4 specific wavelength value याद होनी चाहिए. क्या था value, what were the values, 6563 angstrom, 4868 angstrom, 4341 angstrom, 4202 angstrom. So these were the values that were detected from heated hydrogen gas. तो जब हाइड्रोजन गैस को हीट करते हो एंड देन यू चेक व्हाट आर द वेवलेंथ इमिटेड बाय द हॉट हाइड्रोजन गैस, यू फाइंड दिस 4 वेवलेंथ. इसको नाम था एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा एंड एच डेल्टा. रिमेम्बर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आगे जाने से पहले पहले ये सब पता होना चाहिए. जल्दी से बैठ जाओ, अच्छे से सेटल डाउन वेरी क्विकली. ये ऑब्जर्वेशंस दीज वर मेड इन विच ईयर, 1875 तक हम लोग डेल्टन का ही मॉडल एक्सेप्ट करके चल रहे थे. तब तक थॉमसन मॉडल नहीं आया, मतलब प्लम पुडिंग मॉडल नहीं आया. तब तक जब प्लम पुडिंग मॉडल नहीं आया तो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी नहीं था, मतलब रदरफोर्ड का मॉडल नहीं था, मतलब बोहर्स का भी मॉडल नहीं था. तो सिंस एट दैट टाइम हमको ये पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स आर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको यही नहीं पता है कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम वी वर स्टिल इन द मोड ऑफ डेल्टन्स एटम. डेल्टन्स एटम वाज इनडिविजिबल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. तो ये इमिशन क्यों आ रहा है, बाल्मेर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. बट बाल्मेर ने बोला कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस
सारे कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया विच इज 1/λ इक्वल टू आर 1/p² माइनस 1/n², वेयर आर इज कॉल्ड एज रिट्जबर्ग कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू थी 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर, पी की वैल्यू थी 2, एन की वैल्यू थी 1 बार 3, फिर 4, फिर 5, फिर। तो ये जो बाल्मर ने फॉर्मूला बनाया ना, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि एनीथिंग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एम्पिरिकल। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स। पी की वैल्यू उसने सब्स्टिट्यूट की थी 2, वो हमको आज पता है 2 का मतलब ट्रांजिशन आर ऑकरिंग एट सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड एनर्जी लेवल। एन की वैल्यू 3, 4, 5, 6 मतलब ट्रांजिशन आर ऑकरिंग फ्रॉम 3rd to 2, 4th to 2, 5th to 2 and 6th to 2 करेक्ट। तो ये जो भी फॉर्मूला है इट इज कॉल्ड एज बाल्मर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या है, बाल्मर्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। देन जब बोहर ने अपना मॉडल पुट फॉरवर्ड किया तो बोहर ने रदरफोर्ड का मॉडल भी एक्सप्लेन किया। एज आई टोल्ड यू बोहर वाज अ स्मार्ट गाय, उसने नया कुछ तो बताया नहीं, उसने बोला रदरफोर्ड भी सही है, मैं बताता हूँ क्यों सही है। उसने बोला बाल्मर भी सही है, मैं बताता हूँ क्यों सही है, क्योंकि अब तक हमने बोहर का थर्ड पोस्टुलेट यूज नहीं किया कहीं पे भी। किया क्या यूज, व्हाट इज थर्ड पोस्टुलेट? व्हेनेवर देयर इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एंथ ऑर्बिट टू लोअर पीथ ऑर्बिट इट इमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय hc/λ। h नू मतलब hc/λ। तो इफ यू यूज बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट En-Ep इक्वल टू hc/λ और आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रॉन का एंथ ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सब कोई, यहाँ पे ध्यान दो, इसको याद रखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। me^4/8ε₀²h²z²/n²। अगर वही इलेक्ट्रॉन पीथ ऑर्बिट में होगा तो माइनस me^4/8ε₀²h²z²/p²। अगर ये En मतलब इक्वेशन नंबर 2 और Ep इक्वेशन नंबर 3 अगर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे तो व्हाट यू विल गेट इज En, व्हाट इज En, माइनस me^4/8ε₀²h²z²/n²। माइनस और इसमें भी माइनस तो क्या हो गया प्लस, me^4/8ε₀²h²z²/p² इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है hc/λ। अब इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, me^4/8ε₀²h² कॉमन, जेड स्क्वायर भी कॉमन है, बाद में लिखूंगा मैं, -1/n² और +1/p², तो 1/p² -1/n² और साथ में जेड स्क्वायर इक्वल टू hc/λ। अभी जो hc है इस hc को सिर्फ एक काम करेंगे, यहां से हटा देंगे और यहां पे लेके आएंगे तो h² क्या बन जाएगा h³ और c यहां पे आ जाएगा c। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो z की वैल्यू क्या आएगी 1, तो फॉर z इक्वल टू 1 यू विल हैव z इक्वल टू 1 के लिए आपको मिलेगा, छोड़ो अभी z ही आ रहा है वो, फाइनली फॉर z इक्वल टू 1 ये टर्म यहां से गया क्योंकि z की वैल्यू 1 हो गई और ये जो है ये सारा का सारा कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट कौन है, r रिट्जबर्ग कांस्टेंट है। तो r 1/p² - 1/n² = 1/wavelength। नाउ इफ यू सी ये फॉर्मूला जो बोहर का फॉर्मूला है ये कहां से आया, ये थ्योरी से आया, इसमें जो r की वैल्यू आती है ये सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो r की वैल्यू आती है वो है 1.093 × 10⁻⁷ पर मीटर। ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला है
और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, दे सीम टू मैच एग्जैक्टली, देर इन वेरी क्लोज एग्रीमेंट, सिर्फ वो आखिरी का ये जो वैल्यू है एक जगह पे 7 है एक जगह पे 3 है, दैट इज ओनली डिफरेंस, बाकी सब सेम है। इसका मतलब ये थ्योरेटिकली भी वेरीफाई हो गया। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग पहले थ्योरेटिकल मॉडल देते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन से हम मैच करते हैं कि ऑब्जर्वेशन और थ्योरी मैच हो रहा है कि नहीं। ये तो उल्टा ही हो गया, पहले ऑब्जर्वेशन हमारे पास अवेलेबल थे, बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशन बाद में मॉडल आया, एंड बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशन बोहर कुड एक्सप्लेन कि जो बाल्मेर ने लाइंस देखे थे वो करेक्ट थे, दे आर ऑकरिंग बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड लोअर ऑर्बिट, तो 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, दीज आर द ट्रांजिशन दैट आर ऑकरिंग। तो यहां तक क्लियर? अब इतना बेसिक बैकग्राउंड पता है तो फिर आगे जा सकते हैं। तो अभी बेसिक बेसिक पता क्या होना चाहिए, En इक्वल टू -13.6/n² eV फॉर हाइड्रोजन एटम, ये पता होना चाहिए। अब वी वॉन्ट टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर और हाइड्रोजन एटम। तो पॉइंट नंबर वन, व्हाट यू नो इज हाइड्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने, 1, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में, कहां पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में। बट इट डज नॉट मीन कि हायर ऑर्बिट्स अवेलेबल नहीं है, हायर ऑर्बिट्स है बट दे आर एम्प्टी। बड़बड़ बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये, यू आर सपोज टू नो दिस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है विच इज हियर इन द फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। नाउ समहाउ अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में लेके जा सकते हो, मैंने कल बताया था आपको इसका एनर्जी है -13.6 eV, अगर आपने एग्जैक्टली +13.6 eV दे दिया तो फ्री हो गया। फ्री होने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इन्फिनिटी ऑर्बिट में चला गया, इट वेंट इनटू इन्फिनिट ऑर्बिट। लेकिन अगर मैं +13.6 से कम एनर्जी देता हूँ, इट वुड मीन कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट हैज एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड वेंट इनटू हायर स्टेट्स, उसको आप बोलते हो एक्साइटेड स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट में गया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड में गया तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड में गया तो फोर्थ में गया तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, फिफ्थ में गया तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये ऑर्बिट्स है, हमको देखना है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में कभी भी याद रखना ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स दिखाते नहीं है, दे विल नेवर शो सर्कुलर ऑर्बिट्स, इनफैक्ट दे विल शो स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पे जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ईच लाइन करस्पॉन्ड्स टू एनर्जी लेवल। तो ये एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, n=1। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, -13.6 eV। तो यहाँ पे एनर्जी लिख देता हूं मैं -13.6, ये सारे एनर्जीज ईवी में आएंगे। एंड मैं फिलहाल फॉर टाइम बीइंग टेम्पररीली ये एक डमी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आई विल रिमूव दिस लाइन लेटर। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो यहाँ पे है, n=1, उसका एनर्जी कितना है, -13.6 eV। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में गया तो वो यहाँ पे है, सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी है, 2 है, एनर्जी कितना है, -13.6/4, लेकिन वो कितना है, -3.4 eV। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाता तो n=3, वो आता है -1.51. अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में जाता तो इसको हटा देता हूं मैं अभी डमी लाइंस में, रिमूव दिस जस्ट अ मिनट।
अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो फोर्थ ऑर्बिट में उसका एनर्जी कितना है, एन इक्वल टू फोर माइनस 0.85 ev। अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन फिफ्थ ऑर्बिट, माइनस 0.54। सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवेंथ ऑर्बिट, एट्थ ऑर्बिट, नाइन्थ ऑर्बिट, टेंथ ऑर्बिट, इन्फिनिटी ऑर्बिट। तो मैं बाकी सब दिखाऊंगा नहीं, मैं एनर्जीज भी लिखने नहीं वाला हूं। ये n इक्वल टू सिक्स है, उसके बाद सेवन एट नाइन टेन दिखाया नहीं है डायरेक्टली, क्या है, n इक्वल टू इन्फिनिटी है। और n इक्वल टू इन्फिनिटी ऑर्बिट में एनर्जी होता है जीरो, राइट। अब एक चीज याद रखो, हमने पहले दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस सबसे ज्यादा दिखाया है, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, ऐसा कम होते गया। और जैसे जैसे तुम इन्फिनिटी पे जा रहे हो, ये जो एनर्जी लेवल्स है दे आर कमिंग इवन क्लोजर टू ईच अदर, मतलब दे आर क्राउडिंग, दिख भी रहा है हमको। देखो पहले लेवल के एनर्जी कितना है, माइनस 13.6, दूसरा कितना है, व्हाट इज डिफरेंस, 10.2 का डिफरेंस है यहाँ पे। दूसरे और तीसरे में डिफरेंस कितना है, माइनस 1.9 है ना, 3.4 और माइनस 1.5 कितना, 1.9। पहले दो में डिफरेंस था 10.2, फिर हो गया 1.9, अगले दो में 0.9, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 0.65 का, 0.85 और 1.5 में डिफरेंस कितना होता है, 0.65, उसके बाद 0.21। तो 10.2, 1.9, 0.65, 0.21, और भी कम, और भी कम, और भी कम, मतलब एनर्जी डिफरेंस कम 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 होता जा रहा है। इसका मतलब एनर्जी लेवल्स आर गेटिंग क्राउडेड। इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, नॉट दैट ऑर्बिट डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में आप दिखा रहे हो कि पहले दो एनर्जी लेवल्स का सेपरेशन ज्यादा है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, उसके बाद दो एनर्जी लेवल का सेपरेशन थोड़ा कम हो गया बिकॉज डिफरेंस इज लेस, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, और कम हो गया, ऐसा होता गया। अब जब आप इस एटम को एक्साइट करोगे तो इट विल गो इन टू हायर लेवल्स, मे बी इट विल टेक अप द एनर्जी, मे बी इट विल गो टू सेवेंथ लेवल, एट्थ लेवल, टेंथ लेवल, इन्फिनिटी लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जो भी होगा वो लेवल। नाउ इट कैन मेक अ लॉट ऑफ ट्रांजिशंस। जब ट्रांजिशंस की बात होगी तो हायर लेवल से लोअर लेवल में आने के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो एन इक्वल टू सिक्स लेवल पे है, इमेजिन वी हैव अ इलेक्ट्रॉन जो एन इक्वल टू सिक्स लेवल पे है, तो इसके ट्रांजिशन के पॉसिबिलिटी क्या है, 6 to 5, 6 to 4, 6 to 3, 6 to 2, 6 to 1, या फिर 6 to 5, 5 to 1, 6 to 5, 5 to 2, 6 to 5, 4 to 2, तो बहुत सारे ट्रांजिशन के पॉसिबिलिटी है। तो नाउ डिपेंडिंग ऑन ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, यू हैव वेरियस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। सबसे पहला सीरीज जो बाद में डिटेक्ट हुआ, सबसे पहला सीरीज जो हुआ बाद में डिटेक्ट, वो है लाइमेन सीरीज। अब कोई इसको लीमेन बोलता है, कोई लाइमेन बोलता है, डजंट मैटर, प्रोनाउंसिएशन नेवर मैटर्स हियर। तो यू हैव लाइमेन सीरीज, लाइमेन सीरीज में ट्रांजिशन होता है फर्स्ट ऑर्बिट पे, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, कहां से, हायर से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी। तो इफ यू सी दिस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होगा 2 से 1, या फिर 3 से 1, या फिर 4 से 1, 5 to 1, 6 to 1, 7 to 1, 8 to 1, infinity to 1। तो ये जो सेट ऑफ लाइन्स है, इस सीरीज को आप बोलते हो लाइमेन सीरीज। गुड, अदर क्लियर। एंड इफ यू डू ऑल द कैलकुलेशंस, अब कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, वेवलेंथ का ये आपके पास फॉर्मूला है, 1 by lambda equal to r 1 by p square minus 1 by n square। तो p की वैल्यू 1 डालोगे, n की 2 डालोगे, फिर p वैल्यू 1, n वैल्यू 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, सारे कैलकुलेशन करोगे,
तो यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो मैंने दो वेवलेंथ हर एक सीरीज के नोट्स में दिए हैं, हर एक सीरीज के दो दो ही मेंशन किए हैं। तो बताओ लाइमेन का कितना है, 1216 है ना, 1216, एक 1216 है, एक 1025 है, बराबर। कौन से रीजन में आता है ये, अल्ट्रा वायलेट। एनीथिंग स्मॉलर देन 3000 और एनीथिंग स्मॉलर देन वायलेट कलर इज अल्ट्रा वायलेट, एंड दैट जस्टिफाइज कि ये सीरीज हमको बाद में क्यों मिला, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट में है और हमको अल्ट्रा वायलेट दिखता नहीं है। रिमेंबर बाल्मेर के ये ऑब्जर्वेशंस 1875 में है, 1875 में ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता था हमको, ना हमारे पास अल्ट्रा वायलेट लाइट होता ऐसा ही नहीं पता था, रेडियो वेव होता है ये भी नहीं पता था, इंफ्रारेड होता है ये भी नहीं पता था 1875। रेडियो वेव तो बहुत लेट डिटेक्ट हुए, तो जब पता ही नहीं था कि अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एग्जिस्ट करता है, तो जब वही नहीं पता तो डिटेक्टर कहाँ से बनाओगे, तो वहाँ पर डिटेक्टर थे नहीं, और ह्यूमन आई कैन नॉट सी बिकॉज वी कैन नॉट सी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इसके लिए इसका डिटेक्शन बाद में हुआ, लेकिन ये पहला सीरीज है। उसके बाद और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ अभी 15 मिनट में समझेगा, जेई नीट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। नंबर टू, बाल्मेर सीरीज। तो बाल्मेर सीरीज कब आता है, जब ट्रांजिशन कहाँ पे हो, सेकेंड ऑर्बिट पे, सेकेंड एनर्जी लेवल पे, कहाँ से, 3 से 4 से 5 से 6 से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1 से नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जी इमिशन का। एनर्जी इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू, अब तुम लोअर से हायर लेके जाओगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ना, इमिट क्यों होगा, लोअर से हायर पे लेके जाने के लिए एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड नॉट इमिटेड। यहाँ पे ये इमिटेड स्पेक्ट्रा देख रहे हैं हम लोग। तो ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में, कहाँ से हो रहा है, 3 से। तो यू विल हैव 3 to 2, दिस इज वन लाइन दैट यू विल गेट, 3 to 2, then 4 to 2, then 5 to 2, then 6 to 2, and then infinity to 2, 7 to 2, 8 to 2, सब कुछ है, हम दिखा नहीं रहे यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग दैट यू गेट, इसको आप बोलते हो बाल्मेर सीरीज, क्या बोलते हैं इसको। अब इसके जो पहले दो वेवलेंथ है वो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बताया अभी, 6563 एंगस्ट्रॉम एंड 4868 एंगस्ट्रॉम। डू यू नो दे लाई इन विजिबल रीजन, दे आर इन द विजिबल रीजन, एंड दैट इज वाई बाल्मेर सीरीज वॉज डिटेक्टेड फर्स्ट एंड लीमेन सीरीज वॉज डिटेक्टेड लेटर ऑन। देन इसके बाद तीसरा चीज है पाश्चेन सीरीज में ट्रांजिशन होता है थर्ड ऑर्बिट पे, थर्ड लेवल पे, कहां से, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां जो ट्रांजिशन होता है ये होता है 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 7 to 3, इन्फिनिटी टू 3, इसको हम लोग बोलते हैं पाश्चेन सीरीज। तो यहां पे जो पहले दो वेवलेंथ आते हैं, देखो क्या लिखा है बताओ, 18 व्हेन 8750 एंगस्ट्रॉम एंड 12820। डू यू सी दिस इज इन आईआर रीजन। वैसे एक्चुअली तो इसको नियर आईआर बोलना चाहिए था, क्यों, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा पता है, विच इज एक्सपेक्टेड कि पता होना चाहिए, देखो सिलेबस में हो नहीं हो, वैसे है 11th में है ये, मुझे याद है मैंने पढ़ाया तो आई रिमेम्बर कि ये है, वैसे नहीं भी हो बट बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कम से कम पता होना चाहिए फुल स्पेक्ट्रम। और खासकर तो तुम लोग जेई नीट प्रिपेयर कर रहे हो तो जेई नीट में तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो पता होना चाहिए, ऐसा पूछते डायरेक्टली हमारे पास ऐसे ऐसे ट्रांजिशन अगर हुए तो कौन से रीजन में आएगा,
तो तुम वेवलेंथ तो कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन तुमको पता तो होना चाहिए वेवलेंथ कौन से रीजन में आता है। वो सबसे ज्यादा होता है एनर्जी गामा, सबसे कम वेवलेंथ सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर होता है एक्स, फिर होता है यूवी, उसके बाद सबसे छोटा पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है विजिबल। तो हम ह्यूमंस नेचुरली जिस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाते हैं दैट रीजन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। सबसे बड़ा है आयर, रफली सेइंग 7,000 से लेके 1,00,000 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ है, 7,000 टू 1,00,000। विजिबल इज ओनली 4,000 टू 7,000, 3,000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ रेंज होता है उसका विजिबल का, लेकिन इंफ्रारेड का 7,000 से 1,00,000 तक। तो इसलिए हम इसके तीन पार्ट कर देते हैं, एक को बोलते हैं नियर आयर, एक को बोलते हैं मिड आयर और एक को बोलते हैं फार आयर। तो नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, रफली स्पीकिंग ये 7,000 पे शुरू होता है और ये 25,000 तक जाता है मोर और लेस। ये रफली 70,000 थोड़ा सा आगे पीछे और ये 1,00,000 तक जाता है। ये रफ मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऐसा कुछ बाउंड्री नहीं होता। 25,000 से एक भी ऊपर गया तो फिर वो मिड इंफ्रारेड है, नहीं तो वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। ओके, सिर्फ रफ पता होना चाहिए आपको। तो 7,000 से 1,00,000 रफली इसके बीच में जो कुछ भी आया वो कौन है, इंफ्रारेड है। तो ये दो कौन है, इंफ्रारेड है। इसके बाद का जो सीरीज है वो है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में ट्रांजिशन होता है फोर्थ लेवल पे, कहां से, 5 से 6 से 7 से 8 से एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंफिनिटी से। तो इसके बाद ब्रैकेट सीरीज का ट्रांजिशन होता है कौन से लेवल पे, फोर्थ लेवल पे। तो 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4, 8 to 4 इन्फिनिटी टू 4, ये कौन सा सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज। अब इसका अगर आप वेवलेंथ देखोगे, मैंने मेंशन किया है दो वेवलेंथ बताया है उधर, एक 24,000 के आसपास होगा, 40518 एंड 2,253 एंगस्ट्रॉम। ये भी है आपका आयर रीजन, ये नियर नहीं, ये मिड में गया। मैंने इसलिए बोला शार्प बाउंड्रीज नहीं है उधर। तो इसलिए व्हाट आई वांट इज आप जब लिखोगे ना तो कहीं पे भी नियर, मिड और फार मेंशन करना ही नहीं। और उसका और एक रीजन है, देयर वन मोर रीजन, नंबर वन देयर आर नो शार्प बाउंड्रीज। तो कई बुक में 26,000 को नियर इंफ्रारेड बोल के रखा है, कई बुक में मिड बोल के रखा है, डजंट मैटर, अबाउट एवरीथिंग इज इन इंफ्रारेड। तो कभी भी ऐसा लिखना नहीं, सिर्फ बोल देना ये इंफ्रारेड है। और एक रीजन है, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। लास्ट में है फुंड सीरीज। इस फुंड का पी साइलेंट है, तो पी फुंड नहीं है, ये फुंड है और फंड भी नहीं है, फुंड सीरीज है ये। यहाँ पे टेंशन होता है फिफ्थ लेवल पे, कहाँ से होता है, 6, 7, 8, 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, 6 to 5, 7 to 5, 8 to 5, 9 to 5, infinity to 5, इसको बोलते हैं फुंड सीरीज। इसके भी दो वेवलेंथ मैंने मेंशन करके रखे हैं, कितना है, 7, 4, 5, 8, 7 और 4, 6, 5, 3, 3 एंगस्ट्रॉम। तो इसका एक वेवलेंथ मिड में आया, एक फार में आया, इसके लिए लिखना नहीं, सिर्फ इंफ्रारेड बोलना। तो ये भी आयर है। तो नाउ इट जस्टिफाइज कि बाल्मेर को सिर्फ 4 ही वेवलेंथ क्यों दिखे थे, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स ओनली दोज 4 दे आर इनविजिबल रीजन। जो तीन सीरीज है आखिरी के वो आयर और जो पहला है वो यूवी, याद कर सकते हो LBPPP लेमेन बाल्मेर पार्शियल ब्रैकेट फंड, लीमेन बाल्मेर पास्टेन ब्रैकेट फंड, दिस इज हाउ यू रिमेम्बर। ये याद रखने का ट्रिक है। हाँ बराबर है, लीमेन बाल्मेर पास्टेन ब्रैकेट फंड। एल के लिए पी की वैल्यू 1 है,
ये p की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बाकी अगर l के लिए p की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 छोड़ के सारे हैं 2 3 4 5 6 7 8। और b के लिए वाल्डमायर के लिए p के लिए 2 है तो 2 के ऊपर के सारे नंबर है 3 4 5 6 7 8। तो ट्रांजिशंस कहां से हो रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। अब नाउ यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, कोई उठा दो। नाउ इफ यू नोटिस, चलो नोटिस तो बाद में करेंगे। आपको थर्ड पोस्टुलेट याद है क्या? याद है, एनर्जी इज इमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल एंड दिस एनर्जी इमिटेड इज गिवन बाय एचसी बाय लैम्ब्डा। इसका मतलब ये है कि जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है उतना ही वेवलेंथ कम है, एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स, जितना एनर्जी डिफरेंस कम है उतना वेवलेंथ ज्यादा है। तो अगर अगर मैं लाइमेन सीरीज की बात करता हूं तो 2 to 1 ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू 2 to 1 ऑफ लाइमेन सीरीज करस्पॉन्ड्स टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज, सबसे बड़ा वेवलेंथ है। सबसे बड़ा वेवलेंथ है मतलब ये जो वेवलेंथ है ये सबसे बड़ा वेवलेंथ है, मतलब लाइमेन सीरीज में इसके ऊपर तुमको मिल नहीं सकता, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, बराबर। अब जितना एनर्जी डिफरेंस बढ़ते जाएगा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो 3 to 1 विल बी स्मॉलर, देखो 3 to 1 इज स्मॉलर, 4 to 1 विल बी इवन स्मॉलर, 5 to 1 विल बी इवन स्मॉलर, एंड स्मॉलेस्ट कब आएगा, इनफिनिटी टू 1। इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज इज नोन एज सीरीज लिमिट। द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज इज नोन एज सीरीज लिमिट, इज नोन एज सीरीज लिमिट। अब मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना के दूंगा जो आपको सीईटी जेईई नीट में बहुत काम में आएगा, मैंने जानबूझ के नोट में लिखा नहीं तो ध्यान दो। तो अगर सीरीज लिमिट लाइमेंट की बात कर रहे हो तो ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए, सीरीज लिमिट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो मुझे लॉन्गेस्ट बता रहे हो, वेरी गुड। बाल्मेर का, वेरी गुड, इन्फिनिटी टू। पास्टेन का, इन्फिनिटी टू 4, इन्फिनिटी टू 5, मतलब सारे केसेस में ट्रांजिशन इज ऑकरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो जब ऐसा है, जब पता ही लग गया तुमको कि सारे ही केसेस में एन की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, सिर्फ सिर्फ अलग कुछ है तो पी की वैल्यू, पी की वैल्यू 1 लाइमेन के लिए, 12 के लिए 2, इसलिए मैंने लिखा हुआ 1 2 3 4 5। तो रिमेम्बर अगर एन इन्फिनिटी हुआ तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो 1/लैम्डा इक्वल टू आर अपॉन पी स्क्वायर, और पी स्क्वेयर सॉरी लैम्डा इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय आर, ये बन गया सीरीज लिमिट का फॉर्मूला। अब इससे और एक शॉर्टकट पे जाएंगे, आर की वैल्यू पता ही है 1.093 × 10⁻⁷, उसको अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो 10⁻⁷ ऊपर जाके क्या बन जाता है -7, और रेसिप्रोकल लेते हो तो आपको मिल जाता है वो 911.5 angstrom × p². तो 1/r कितना आया, 911.5 angstrom, ये है 1/r की वैल्यू, करके देख लो। यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स 1/r, ओके, 1/r, r की वैल्यू कितनी थी 1.093, देखो 0.914 अप्रोक्सीमेशन है, ओके। 10⁻⁷ ऊपर जाके माइनस सेवन को -10 लिखा तो ये आ जाएगा 914 angstrom। मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है 911.5।
इसको बुक्स में राउंड ऑफ करके 912 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 912, तो 912 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया सीरीज लिमिट फॉर ईच सीरीज, जनरल फॉर्मूला है ये, जनरल फॉर्मूला है। अब रिमेंबर सीरीज लिमिट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट तो तुमने निकाल के रखा है ना, ये लॉन्गेस्ट है 1 to 160 का लाइमेन सीरीज का, ये लॉन्गेस्ट है किसका बालमेर सीरीज का, ये लॉन्गेस्ट है किसका पास्टन सीरीज का, ये लॉन्गेस्ट है ब्रैकेट सीरीज का, और ये लॉन्गेस्ट है फोन सीरीज का। तो लॉन्गेस्ट तुमको पहले से ही पता है 2 to 1 इज लॉन्गेस्ट ऑफ लाइमेन, 3 to 2 इज लॉन्गेस्ट ऑफ बालमेर, 4 to 3 इज लॉन्गेस्ट ऑफ पास्टन, 5 to 4 इज लॉन्गेस्ट ऑफ ब्रैकेट, एंड 6 to 5 इज लॉन्गेस्ट ऑफ फोन सीरीज। हमको निकालना है शॉर्टेस्ट। अब देखो ये फॉर्मूला बनाने से क्या हुआ, एक्सीलेंट, वेरी सिंपल। ये ना ये चीजें याद रखते जाओ, तुम अगर इनको याद रखोगे ना तो यू विल हैव एक्सीलेंट एग्रीमेंट विद व्हाट यू आर सेइंग। तुम ऐसा बोल रहे हो कि पहला जो है यूबी में है, दूसरा जो है वो विजिबल में है, तीसरा आईआर में, चौथा आईआर में, पांचवा भी आईआर में है, मैंने नियर मिड फार नहीं मेंशन किया फॉर दिस रीजन। सपोज मैं लाइमेन सीरीज का सीरीज लिमिट फाइंड कर रहा हूँ, तो पी की वैल्यू कितनी है, लैम्डा क्या आ गया 912 × 1² 912 अल्ट्रावायलेट होता है, यस। मतलब इस पूरे सीरीज में आपको 912 से लेके 1 to 1/6 तक ही मिलेगा। अब इमेजिन आपको बोला है फाइंड आउट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन फ्रॉम 6 to 1, कौन सा सीरीज है 6 to 1 फोन सीरीज है। ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट लेवल पे हो रहा है, वो फोन है कि लाइमेन सीरीज है। लास्ट बैंक थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहाँ पे बहुत काम का चल रहा है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मच मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर डूइंग देयर। तो 6 to 1, 7 to 1, 8 to 1, 5 to 1, anything to 1, ये 912 से 1216 के बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। तो तुम जब कैलकुलेशन करते हो, पहली बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि पहले चेक कर लेना है ट्रांजिशन वन पे है क्या, मतलब कौन सा सीरीज है लाइमेन। तुमको शॉर्टेस्ट पता है, तुमको लॉन्गेस्ट पता है, तो ट्रांजिशन कहीं से भी पहले ऑर्बिट पे हो, 2 से 1 हो, 3 से 1 हो, 4 से 1 हो, 5 से 1 हो, 6 से 1 हो, वो इन दोनों के बीच में आएगा आंसर। तो हो सकता है 4 में से 1 ही ऑप्शन है जो ऐसा दिया हो, राइट, करेक्ट। हो सकता है 2 ऑप्शन हो, तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तुम्हारा 6000 जा रहा है, 6000 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कौन सा रीजन है, अल्ट्रा वायलेट, करेक्ट। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ये पहला सीरीज का हो गया, फिर आ जाओ बालमेर में और चेक करते जाओ, ये अल्ट्रा वायलेट है, करेक्ट है। बालमेर में पी की वैल्यू कितनी है 2, तो 912 × 2² है ना, पी स्क्वायर था ना, 900 × 4 3600, 12 × 4 48, तो 3648 एंगस्ट्रॉम आ गया लगभग विजिबल में। मैंने इसलिए बोला वो 4000 से 7000 के कॉन्सेप्ट निकाल दो दिमाग से, ऐसा कोई शार्प बाउंड्री होता नहीं है, इवन 3000 इज अ विजिबल वेवलेंथ। तो ऐसा तुम अगर बोलते हो 4000 से 1 भी कम हुआ, 3999 दिखेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो विजिबल होता है। तो देन बालमेर सीरीज में आपको जो लाइंस मिलेंगे वो मिलने चाहिए कहां से कहां तक, 3648 से लेके 6563। देख लो बालमेर को क्या क्या दिखा, बालमेर को जो भी लाइंस देखे एक भी 3648 से कम नहीं है, सारे के सारे उसी रेंज में, करेक्ट, राइट। देन दैट इज आई कीप ऑन टेलिंग यू, फिजिक्स से पढ़ के नहीं होता है, फिजिक्स आपको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उसके बाद कौन सा है पास्टन, पी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9 9 81 1800, तो वहीं पे हो गया 12 9 108 1800 में 108 8208, आ गया क्या इंफ्रारेड में, यस yes। तो ये इंफ्रारेड में आ गया, मतलब जो तीसरा सीरीज है आपके पास ये 8208 से लेके 18750 तक का है। देखो उसके बाद 12820 लेगा, दोनों के बीच में ही है, करेक्ट। तो नेक्स्ट सीरीज कौन सा, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में पी की वैल्यू 4, तो 9 1 2 × 16 16 9 1 2 16 9 1 4 4 1 4 4 0 0 और 5, यस नहीं 1 4 5 9 2 आएगा ये,
192। अरे एक मिनट, तुम वेट अ मिनट, गड़बड़ करना बंद, कैलकुलेशन करना सीख लो। अब 16 × 900 करना पड़ेगा और 16 × 12 करना पड़ेगा। 16 × 9 होता है 144, हमको 900 करना था। 16 × 12 जो होता है 192, 14592, तो 14592 एंगस्ट्रॉम, ये आएगा आपका ब्रैकेट सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सीरीज लिमिट, 14592 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में 14592 से लेके 40518 ये रेंज है इसका। लास्ट पॉइंट सीरीज, पॉइंट सीरीज, पॉइंट सीरीज में पी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 912 × 25 है, 25 × 9 225, मतलब 22,500 तो यही हो गया, 12 × 15 ये 300 होता है, 12 × 25 300 होता है ना, 900 × 25 कितना हो गया 22,500, 12 × 25 300, तो 22,800 ये सीरीज लिमिट है इसका। तो यहाँ पे 22,800 से लेके 74,587 तक के रेंज मिलेंगे आपको, राइट, ये सीरीज लिमिट है। नाउ इफ यू सी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपको दिखना चाहिए ओवरलैप्स है, ये 14,000 से 40,000 की रेंज है, ये 22,000-23,000 से 74,000 की रेंज है, ओवरलैप है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ब्रैकेट सीरीज खत्म हुआ उसके बाद ही फोन सीरीज होगा, तो दैट इज वाई वो नियर मिड और आयर लिखना ही नहीं, आयर है सब, क्योंकि ओवरलैप्स है यहाँ पे, राइट। 22,800 ये फोन सीरीज है, अगर मैं बोलता ये मिड इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड है, लेकिन उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ पे आ रहा है, नियर आयर में आ रहा है। दैट इज वाई डू नॉट राइट, जस्ट राइट डाउन आयर आयर एंड आयर, यहाँ तक क्लियर। तो ये हो गया सीरीज लिमिट, क्लियर। अब तक का जो एक्सेप्टेड मॉडल है वो है बोहर्स मॉडल, तो रिमेम्बर डेल्टन का मॉडल, इंडिविजिबल एटम फेल्ड मॉडल, थॉमसन का मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल फेल्ड मॉडल, रदर का फोर्ड का मॉडल, मॉडल तो सही था एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया। बोहर का मॉडल लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन सब नहीं करता, लगभग सारे। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, तो विच मीन्स ये जो एटॉमिक मॉडल है ये भी सही नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीटली राइट। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है वो समझ लो। एक्चुअली अगर आप देखोगे, लेट अस फोकस ऑन बाल्मेर सीरीज, क्योंकि बाल्मेर सीरीज विजिबल में आता है तो हमको दिखता है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। अकॉर्डिंग टू बाल्मेर सीरीज, चार वेवलेंथ बाल्मेर को मिले थे, चार लाइन्स मिले थे, एंड ईच लाइन शुड करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन 3 to 2, मतलब 6563। एनर्जी डिफरेंस स्मॉल तो वेवलेंथ लार्ज, तो 3 to 2 का एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ कितना होगा, लार्ज होगा, 6563। उसके बाद 4 to 2, 4868, 5 to 2, 4341, 6 to 2, 4202। तो ये एक एक ही लाइन मिलना चाहिए, सही है ना, एक एक लाइन मिलना चाहिए। तो अगर मैं 6563 की बात करता हूँ, या फिर आपको अगर चाहिए तो आप 4868 ले लो, 4341 ले लो, 4341 ये मोर और लेस ब्लू दिखता है, कैसा दिखता है, ये ब्लू दिखता है, तो ऐसा दिखता है, ये ऐसा एक लाइन है, दिस इज वन सिंगल लाइन फ्रॉम विच सीरीज, बाल्मेर सीरीज, बराबर, दिस इज वन सिंगल लाइन फ्रॉम बाल्मेर सीरीज, करेक्ट। और रिमेंबर जब ये बाल्मेर ने एक्सपेरिमेंट किया तो रिमेंबर हमको एटॉमिक मॉडल भी नहीं पता था, रिमेंबर हमारे पास हमको यूवी होता है, एक्सरे होता है, इंफ्रारेड होता है, ये भी नहीं पता था, तो डेफिनेटली हमारे पास अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे। तो हमारे ये सारे जो ऑब्जर्वेशन थे बाल्मेर के, उसको एक्सप्लेन किसने किया, बोहर ने। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, जैसे जैसे हमारे पास गुड क्वालिटी माइक्रोस्कोप आए,
तो ऐसा देखा, यू विल सी एक लाइन है ही नहीं, उस एक लाइन में मल्टीपल लाइंस है, मल्टीपल कंपोनेंट्स है. तो दिस इज द फर्स्ट फेल्यूअर, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल. अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, अगर एक ट्रांजिशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल 4 to 2, क्योंकि मैंने 4868 लिया ये, तो 4 to 2 मतलब सिंगल लाइन मिलना चाहिए. लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप मतलब साधा माइक्रोस्कोप नहीं होता है, वेरी हाई पावर माइक्रोस्कोप, उससे जब देखोगे, रिजॉल्व करके देखोगे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन याद है? डू यू रिमेंबर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? वेव ऑप्टिक्स, और टू पॉइंट इमेजेस आर सेट टू बी जस्ट रिजॉल्व इफ रियली क्राइटेरिया, इफ प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ वन इमेज ओवरलैप्स विथ फर्स्ट मिनिमम ऑफ सेकेंड इमेज. तब तक वो दो क्या दिखते हैं आपको? सिंगल, दो पॉइंट सोर्स का एक ही इमेज दिखता है. लेकिन जैसे जैसे आप रिजॉल्विंग पावर बढ़ाते हो, तो वहां पे दो इमेजेस दिखते हैं. यहाँ पे भी वैसा ही केस है, हमको दिख क्या रहा था? सिंगल लाइन. जैसे अच्छे क्वालिटी के हमारे पास टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आते, क्या नॉट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आए, हमने जब देखा तो एक लाइन में मल्टीपल कंपोनेंट्स है. तो सम लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वे आर सीन टू हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स. Some lines of hydrogen spectrum were seen to have multiple components. इसका मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया 4868, इसका मतलब 4868 एक्चुअली नहीं है, 4867 है और 4869 है. मतलब there are two lines which are very close to each other, not exactly 4868, but very close to each other, as a 4867 and 4869. तो एक की जगह पे दो लाइन है, हमको दिखता एक है, क्योंकि दो पॉइंट सोर्सेज बहुत पास में हो, तुम बहुत दूर से देख रहे हो, तो तुमको क्या दिखेगा? वन. अब जब आप नाइट स्काई में स्टार्स को देखते हो, सिंगल स्टार देखते हो, लेकिन आपको पता है 60% से ज्यादा स्टार बाइनरी सिस्टम्स है, दे आर ट्विंस, काइंड ऑफ, नॉट ट्विंस, आई कैन नॉट से ट्विंस, बट दे आर बाइनरी सिस्टम. हमको दिखता क्या है? एक सिंगल, क्योंकि तुम बहुत दूर से देख रहे हो उसको. तो सिमिलर थिंग हैपेंड हियर, दे आर लाइक मल्टीपल कंपोनेंट, किसमें दो लाइन मिल गया, किसमें तीन लाइन मिल गया, किसमें चार लाइन मिल गया. अब ये बोहर के मॉडल से एक्सप्लेन हो नहीं सकता, क्योंकि बोहर के मॉडल से ये नहीं हो सकता, क्योंकि बोहर के मॉडल में क्वांटम फिजिक्स नहीं था. तो इसके लिए आपको देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, जो फ्यूचर में जाके अगर गलती से फिजिक्स पढ़ा और उसमें भी बड़ी गलती कर दी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको समझेगा दिस इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपर फाइन स्ट्रक्चर. हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मतलब जो एटॉमिक लेवल्स होते हैं ना, जिसको आप बोलते हो n=1, 2, 3, n=3 में भी स्प्लिटिंग है, मतलब एक एनर्जी एक ऑर्बिट में भी फर्दर ऑर्बिट्स है. तो इफ यू हैव वन ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, वो एक्चुअली वन नहीं है, वो भी स्प्लिटेड है. तो जब ट्रांजिशन होगा तो n=3 के पहले ब्रांच से हुआ तो अलग मिलेगा, सेकंड ब्रांच से हुआ तो अलग मिलेगा. तो दैट इज वाई छोटे 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 डिफरेंस आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, विच इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, तो वी विल नॉट डिस्कस. नंबर टू. अब नंबर टू ऐसी बात है कि ये बाल्मेर ने, या फिर बाद में बोहर ने, बाल्मेर ने लिया हाइड्रोजन गैस. अभी हाइड्रोजन का एक तो एटम लिया नहीं होगा, लिया होगा तो कुछ क्वांटिटी लिया होगा, 1 kg, 2 kg. आपको पता है एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 10^23 रफली 6.023 × 10^23, भूल जाओ 6 को, हमारा मतलब ही नहीं है 6 के साथ. 10^23 एक मोल में, दैट इज हार्डली फ्यू ग्राम्स. फ्यू ग्राम भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने. अब मैं 1 kg की बात करूंगा या 500 g गैस की बात करूंगा अगर मैं, तो उसमें 10^40, 50 भी एटम्स होते हैं. और जब गैस को हीट करते हो तो यह रैंडम हीटिंग है. किसी भी एक आइटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, उसका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से कहीं पे भी चला गया, मे बी सेकेंड ऑर्बिट, मे बी थर्ड ऑर्बिट, मे बी फोर्थ ऑर्बिट, मे बी फिफ्थ ऑर्बिट, मे बी सिक्स्थ ऑर्बिट, मे बी एंथ ऑर्बिट, मे बी इन्फिनिटी ऑर्बिट. तो जब आप गैस को हीट करते हो हाइड्रोजन को, तो बहुत सारे आइटम्स को एक साथ हीट कर रहे हो, तो बहुत सारे आइटम्स अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं. नॉट ऑल ऑफ देम विल गो टू द सेम एक्साइटेड स्टेट. एंड रिमेंबर, ये पूरा प्रोसेस रैंडम है. और जब रैंडम प्रोसेस होता है तो ट्रांजिशन भी रैंडम होते हैं. फिर इसका मतलब
ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि 50% गैस एटम सेकेंड ऑर्बिट पे ही आएंगे, बाकी 50% में से 10% पहले ऑर्बिट पे ट्रांजिशन करेगा, 10% सेकंड थर्ड पे करेगा, 10% फोर्थ पे करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज कम्प्लीटली रैंडम, रिमेंबर दिस. तो ट्रांजिशंस आर ऑल्सो रैंडम, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में किसी भी लोअर लेवल पर जा रहा है. 8 to 2 भी है, 8 to 4 भी है, 8 to 6 भी है, 8 to 1 भी है, ये सब रैंडम है. और जब सब रैंडम है तो हमको जो लाइंस मिलते हैं, चलो बालमेर की बात कर लेते हैं क्योंकि हमको दिखता है, बाकी तो देख नहीं सकते. तो 4 लाइंस जो मिलते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि इंटेंसिटी चारों का सेम होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ये पूरा. ऑल दिस इज रैंडम. तो रैंडम चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम रैंडम ऑर्बिट टू रैंडम लोअर ऑर्बिट. तो सारे के सारे लाइंस का इंटेंसिटी क्या मिलना चाहिए था? नहीं मिलता. तो सम लाइंस वे आर फाउंड टू बी मोर इंटेंस. मतलब कुछ लाइंस बहुत ही ब्राइट है, कुछ लाइंस फेंट है. तो ये भी नहीं समझा पाता ये एटम, ये हाइड्रोजन सॉरी बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, इट कैनॉट एक्सप्लेन दिस. ऑल्सो एक शॉर्टकमिंग लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, एक ड्रॉबैक लिखा ही नहीं. जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, बोहर मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एटम्स सेटिस्फैक्टरीली, इट कैन एक्सप्लेन ओनली हाइड्रोजन. और उसमें भी ड्रॉबैक्स है, उसमें भी यू सी मल्टीपल कंपोनेंट्स, यू सी दैट सम लाइंस आर मोर इंटेंस देन अदर. और एक चीज तुमको याद होनी चाहिए, बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, स्टेबल ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π. उसने बोला हमने मान लिया, साइंस में ऐसा चलता नहीं है. दिस इज वेक स्टेटमेंट विदाउट एक्सप्लेनेशन. उसने बोला हमने मान लिया, ऐसे नहीं होता है फिजिक्स में, ऐसा नहीं होता है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा. व्हाई सच ऑर्बिट्स आर स्टेबल ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π, राइट? तो ये तीसरा जो लिमिटेशन है, इसको डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन कर दिया. ये वही डी ब्रॉगली है, पिछले चैप्टर वाला, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. मैटर बिहेव्स एज वेव एज वेल एज पार्टिकल्स. अब तक क्या हो रहा था? अब तक बोहर बोल रहा था अरे रदरफोर्ड सही है, रुको मैं समझाता हूँ, अरे बालमेर भी सही, रुको मैं समझाता हूँ. और पहली बार आया, डी ब्रॉगली बोला अरे रुको बोहर सही है, मैं समझाता हूँ. तो बोहर का जो पोस्टुलेट है, डी ब्रॉगली ने बोला कि बेसिक इंट्रिंसिक गलती कर रहे हो तुम. इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में है वो पार्टिकल है ही नहीं, वो वेव है. क्या है वो? वेव. और कौन सा वेव है? स्टैंडिंग वेव है. ये वही स्टेशनरी वेव है जो आपने चैप्टर नंबर 6 में सीखा था. तो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इन ऑर्बिट दे आर नॉट पार्टिकल्स बट दे आर वेव्स एंड दे आर स्टैंडिंग वेव्स, मतलब दे आर फॉर्मिंग लूप लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टैंडिंग वेव में तो लूप बनता है ना, याद है क्या? फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, 1 loop 2 nodes, नोड टू नोड डिस्टेंस λ/2. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, 2 loops, लैमड़ा इज द टोटल लेंथ, λ/2 एंड λ/2. तो भूलोगे तो गए. ये आपके पास सेकेंड मोड है, ये फर्स्ट मोड है, 1 loop, फिर 2 loop, फिर 3 loop, नोड टू नोड होता है λ/2. तो यहाँ पे λ/2 और λ/2 तो कितना हो गया टोटल? 3 कैसे आएगा? हाफ और हाफ 3 कैसे हो गया? 1 होता है ना. नोड टू नोड λ/2, फिर नोड टू नोड λ/2, तो कितना हो गया लैमड़ा. अब इसके आगे इंटरेस्टिंग है व्हाट डी ब्रॉगली सेड, कि ये वेव तो है ही, ये स्टेशनरी वेव बन रहे हैं, लूप फॉर्मेशन भी है. लेंथ ऑफ द ऑर्बिट, जो ऑर्बिट का लेंथ है एल, मैं जानबूझ के कैपिटल एल नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि कैपिटल एल क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम. लेंथ ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द वेव. तो जिस वेव ने लूप बनाया
उस वेव का जो वेवलेंथ है दैट इज लेंथ ऑफ द ऑर्बिट. अगर अगर पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है तो लेंथ कितना है? 2πr, 2πr1, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट का साइज चेंज होता है ना. सेकेंड ऑर्बिट का क्या आएगा? आर टू, फिर क्या आएगा? आर थ्री, फिर क्या आएगा? आर फोर, फिर क्या आएगा? आर फाइव. तो अच्छे से समझ लो, लेंथ ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव विच फॉर्म्स स्टेशनरी वेव. तो लेंथ क्या होना चाहिए? वेवलेंथ. लेकिन लेंथ क्या है? 2πr. पहले ऑर्बिट का क्या है? 2πr1. इक्वल टू क्या होना चाहिए? वेवलेंथ. इक्वल टू क्या होना चाहिए? वेवलेंथ. तो दूसरे ऑर्बिट का लेंथ क्या होगा? 2πr2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ. क्यों 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ? और तो सेकंड ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा? बढ़ेगा. हाँ, तो जो पहले ऑर्बिट का वेवलेंथ था उतना ही रहेगा क्या? नहीं, डबल होगा. करेक्ट, डबल होगा. फिर 2πr3 इक्वल टू, तो 2πrn क्या आएगा फिर? n लैम्डा. करेक्ट. सो लेंथ ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन या फिर एसोसिएटेड विद स्टेशनरी लूप्स. अभी अभी आपने बताया एक लूप मतलब लेंथ कितना? लैम्डा बाई टू. दो लूप मतलब कितना? तो पहले ऑर्बिट में वेवलेंथ कितना है तो कितने लूप बनेंगे? टू. इसलिए मैंने बोला ध्यान दो, सिंपल सा आइडिया है. स्टेशनरी वेव में नोड टू नोड डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई टू. तो एक लूप बना तो लेंथ होता है लैम्डा बाई टू. दो लूप बने तो लैम्डा, क्योंकि टू लैम्डा बाई टू. तीन लूप बने तो थ्री लैम्डा बाई टू. चार लूप बने तो फोर लैम्डा बाई टू. पांच लूप बने तो फाइव लैम्डा बाई टू. यहाँ पे क्या बोला है? लेंथ ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू वेवलेंथ, मतलब लेंथ मतलब 2πr इक्वल टू वेवलेंथ मतलब लैम्डा. पहले ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं. वेवलेंथ कितना है? लैम्डा. लेकिन एक वेवलेंथ में कितने लूप बनते हैं? दो बनते हैं ना. अरे अभी तो देखा, अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं दो कहाँ से आया. यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहाँ कितना है? तो टोटल कितना है? तो लैम्डा में कितने लूप बने? हाँ, तो फिर अगर पहला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में कितने लूप बनेंगे? टू. अगर फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है तो कितने लूप बनेंगे? टू. सेकेंड ऑर्बिट है तो कितने बनेंगे? फोर, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में वेवलेंथ कितना है? टू लैम्डा. थर्ड ऑर्बिट में कितने बनेंगे? सिक्स. तो मैं अभी मैं ट्राई करूंगा, आई एम नॉट श्योर कि सही से ड्राइंग होगा कि नहीं, आई डोंट नो. तो जस्ट मेरे को लगा था, पता ही था मेरे को गलत होगा ये. एक काम करते हैं, थोड़ा ड्राइंग सीख लेते हैं. फिर चार पार्ट हो गए, हमको कितने चाहिए थे? छह. नहीं, चार भी ठीक है, चार भी चलेगा, नो वरीज एट ऑल. क्या क्या सीखना पड़ेगा पता नहीं. परफेक्ट, होपफुली. ओह वेरी गुड. कितने लूप बन गए? चार. तो कौन सा ऑर्बिट है ये? सेकेंड ऑर्बिट. तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने लूप बनते हैं? फोर. थर्ड ऑर्बिट में कितने बनेंगे? छह. फोर्थ में कितने बनेंगे? एट. फिफ्थ में कितने बनेंगे? टेन. यहां तक क्लियर? लेकिन अभी तक L इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई प्रूव नहीं हुआ. अभी होगा, अभी होगा वो. ये इक्वेशन नंबर वन. बट ये सब किसने बताया? तो खुद का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई करने ही वाला है ना. वो थोड़ी बोलेगा कि मेरा आइडिया छोड़ो उसका ले लो. वो खुद क्या बताएगा? व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ? एच बाई पी, मतलब एच बाई एम वी. तो ये जो इक्वेशन नंबर टू है, इसको इक्वेशन नंबर वन सब्स्टिट्यूट कर दो. From equation number 1 and 2, you get 2 pi rn equal to n lambda. Lambda कितना है? H upon mv. ये mv को यहाँ लाता हूँ, तो mv rn और 2 pi को वहाँ लेके जाता हूँ. H upon, what is mvr? Angular momentum equal to nh upon 2 pi. Hence proved कि जो second postulate था Bohr का, वो सही है. लेकिन वो सही कौन से कंडीशन में है? जब आप इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट कर रहे हो. वेट, मैंने बोला नहीं अभी रुकेंगे. तो आपके सिलेबस तक
यहां तक है, तो यू एंड एटॉमिक पार्ट हियर बाय लर्निंग दैट, बाय नोइंग दैट इलेक्ट्रॉन इज वेव. लेकिन लेकिन अभी कौन सा पार्ट बाकी है? न्यूक्लियस का. तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल से मतलब न्यूमेरिकल के बाद से.